वाह जी वाह, वो देखो कुकू, ये देखो, देख रहे ओए। हाँ ये फिट है, अनफॉर्चुनेटली हमारा बेबी बॉय है। पागल हो तुम, यही से ट्रेनिंग शुरू करा रही हो उसकी मीठा करने की से। वो गेम ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या बनता है। बॉयज एंड गर्ल्स, क्या मूसा खाना जीत पाएगा? भाई मैं तीन पीछे हो जा मामा। Boys and girls, क्या चाल है? This is the boy Musa Khanna and welcome back yet to another vlog. Boys and girls, आज का सीन ये है कि मैं, फिजा और कुकू हम जा रहे हैं स्टेट फेयर पे। स्टेट फेयर में मैं आपको पहले भी लेके गया हूँ, एक किसी के साथ गए थे हम एक टाइम पे हंसना बनकर। लेकिन anyways boys and girls, अब सीन ये है कि हम जा रहे हैं स्टेट फेयर दोबारा। ये वाला जो सीजन होता है स्टेट फेयर पे काफी ज्यादा शोर होता है, काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है, और हम जरा बुध के टाइम पे जा रहे हैं ताकि ना ज्यादा रश ना हो। कुकू है, उसको भी थोड़ा सा दिखा देंगे इधर उधर। अभी उसको इतनी समझ बूझ तो है नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अब उसको समझ आ रही है चीजों की, यू नो। फिट चेक करें। ओए होए होए होए, मैं सोच रहा हूं अपनी रील्स पे ना बनाना शुरू कर दूं फिट चेक ना वगैरह, इस तरह का। फर्स्ट डेट पे जा रहे हो, मेरी भी क्लोथिंग की चीजें मेरे पास आ जाएंगी ना सारी, उसके साथ भी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट दिखाऊंगा। और कुकू कहां है? कुकू सो रहा है। कुकू भी रेडी हो गया, बड़ी मुश्किल से सोता है आजकल। कुकू को सीन ये है कि जब फिजा करीब करीब होती है ना तभी सोता है, वरना पता नहीं इसको क्या हो गया। अब इसको ना थोड़ी सी सेंस ही समझ आ गई है कि ना फिजा मेरी माँ है और मैं उसका बाप हूँ। मेरा समझ आ गया, किसको नहीं, थोड़ा थोड़ा आ गया उसे, मेरा भी आ गया। हालांकि हमने कोशिश कर रहे हैं उसको गोदी शोदी की आदत ना डाले ज्यादा, लेकिन बच्चों को डाली जाती है, हमारा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो क्या करें। हम कुकू को रेडी करके फिर आपसे मिलते हैं। फिजा मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं गया स्टेट फेयर, है ना? क्या हुआ? आराम से बोल, बच्चा सुन लेगा। बाकी पता होना चाहिए। नहीं पता होना चाहिए उसको सब कुछ। एक एक चीज बताऊंगी फिर वो मेरे जैसा बन जाएगा। तुम चाहते हो मेरे जैसा बने? इतना ना बने इसलिए बताऊंगी। जाने तो दुआ करो मेरे जैसा बन जाए, खुश रखेगा अपनी औरत को। ये स्टेट फेयर पे जा रहा है बुध के दिन में, बुध के दिन पे देखो लोग काम पे निकले होते हैं। आज एकदम से थोड़ी सी ठंड आ गई थी सुबह सुबह ना, तो हमें जैकेट वैकेट हुडी शुडी पहननी पड़ गई। मैं एकदम से कहां से ठंड आ गई है, तो अब थोड़ी थोड़ी धूप निकली, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना। I will see you guys there. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, आफ्टर लाइक एक घंटा और 30 मिनट बाद हम फाइनली पहुंच गए। असल में मसला ये होता है कि जब हमने गाड़ी से निकलना होता है ना, तो इसकी तैयारियों में ना हमें 20 मिनट तो वैसे ही लग जाते हैं। जैसे हम गाड़ी से निकलते लगते हैं ना, छोटू ने दूध पीना होता है, इसको भूख लग जाती है, फिर इसको डिकार दिलानी होती है, ये सारी चीजें होती है ना, वो करते करते फिर पार्किंग भी बड़ी दूर मिली थी। तो बॉयज एंड गर्ल्स चेक करो, आज बुध है और बुध के अभी बज रहे हैं 4 बजने वाले हैं, और 4 बजे देखो रश देखो कितने यहाँ पे, और आप इमेजिन करो रात को यहाँ पे कितना रश हो जाता होगा। असल में लोग आज इसलिए ज्यादा है, मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है आज, कूल है। तो देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा खानों के स्टॉल्स हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे झूले होते हैं, राइड्स होती हैं, सब अपने बच्चों को बेसिकली लेके आते हैं। ओए लड़ने के मूड में हो तो, ओए होए होए बॉक्सिंग बॉक्सिंग है, हाथ ना खा आपने, चलो आ जाओ आ जाओ। आज तो लग ही नहीं रहा कि बुध है, आज तो मुझे लग रहा था सैटरडे मॉर्निंग को मैं निकला हूँ। वीकेंड पे तो आप चल ही नहीं सकते, देखो ना वो बना हुआ है भूतनी का इतना बड़ा, वो आप देख सकते हैं कब वो है, वो देखो पे 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 भाई, ये कौन है? लेना झूला इसका साई। वो देखो उन्होंने गाड़ी कहाँ पे खड़ी की हुई है, वो देखो बॉयज एंड गर्ल्स पूरी गाड़ी उन्होंने वहाँ पे चढ़ा दी ऊपर। शेवरले का यहाँ पे एक शोरूम भी होता है ना गाड़ियों का, यहाँ पे गाड़ियों का शोरूम होगा, गाड़ियाँ भी चेक करेंगे जरा जाके ना किस तरह की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। सो गया तू? नहीं नहीं जी, चिल मारा आज। वो देखो उसका टड्डी से भी छोटा बेबी है, वो देखो 1.5 महीने का बहुत छोटा है। हाँ हमारा ऑलमोस्ट हो गया अब 3 महीने का। हर तरह के आपको आइटम यहाँ पे लोग मिलेंगे, अजीबो गरीब ही हो सकता है। मैं देख के कह रहा हूँ कितने अजीब है लोग, कैमरा लेके घूम रहे हैं पागल। यहाँ पे ना एक स्टोर भी है, देखो हमें हैंडमेड गुड्स कहते हैं पड़े होते हैं, हैंडमेड तो नहीं होंगे ये बातें ही हैं सारी, वो देखो। लेकिन अगर तुमने इजिप्शियन किंग बनना है रैमसेस द फिफ्थ, चेक करो जरा। ओए होए होए होए, घड़ियां भी हैं, वुड वाली घड़ियां बेसिकली यहाँ पे, देखो ये चीजें सारी लगी हुई है। फिर आप वहाँ पे देखो ये काउबॉय की टोपियां पड़ी हुई है, ये देखो अंकल कैसे चेक करें, हाँ ये सही लग रही है। यहाँ पे छोटे छोटे बैग्स पड़े हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं, बिल्लियों के कुत्तों वाले बैग्स हर तरह के। ओए मुझे लगा असल कुत्ते बिल्ली। वाओ वाह जी वाह, वो देखो कुकू, ये देखो देख रहे ओए। अम्ब्रेला देखो कितना स्वैगी है, वो ब्लू वाला स्वैग तो है इस अम्ब्रेला का। है पीछे वाले वो तो कुड़ियों वाले हैं भाई, मैं तो नहीं कह सकता वो अच्छे हैं। नहीं नहीं ये ब्लू वाला नहीं, ये पर्पल वाला बहुत अच्छा है। बहुत लल्लो चलने लग गई है तुम्हारी, वो देखो चाकू पसंद कर लो कौन सा मारना है मेरे पेट में आज रात को। वैसे ही तुम बड़ी बातें कर रही हो आज, मुझे पूछ लो कौन सा सबसे आराम से जाएगा मेरे हबी है। एक ही मर्तबा काम, एक ही मर्तबा सोते सोते ना, दो तीन मर्तबा स्नैप करते हुए दुख होगा ना, एक मर्तबा काम, एक मर्तबा काम खत्म करो ना बस। ब्रेसलेट्स हैं यहाँ पर,
ड्रम भी है, तबला, कुकू का सर है ना उस पे बजा लेंगे तबला गंजू का छोटा सा गंजू भाई। अच्छी है स्कूटी, दादे लेके फिर अपने छोटे छोटे बच्चों को। ओ ये कितना अच्छा है, पुराने आइटम से बनाई हुई है चीजें हैं, देखो बॉयज एंड गर्ल्स। अंकल टॉमी जो बैठे हुए ना वहाँ पे, ये देखो जरा इन्होंने सारी चीजें बनाई हुई हैं। हाय 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 हाय, आर्ट तो है। ये देखो लॉक का उन्होंने क्या बनाया हुआ है, वो देखो लेफ्ट पे भी हैं चीजें, मग्स वगैरह। वाओ क्या बैग्स है। हाँ ये फिट है, अनफॉर्चुनेटली हमारा बेबी बॉय है, वो भी है। पागल हो तुम यही से ट्रेनिंग शुरू करा रही हो उसकी मीठा करने की उसे। ये ही है माइकल जैक्सन वाला ब्लैक वाले काफी फिट है। चाहिए तो कोई मसला तो नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिंग्स है, रिंग्स अच्छी हैं। मिनिमलिस्टिक डिजाइन लगे हुए ये ना, जैसे आप देख सकते हैं। वो ये उल्लू वाली अच्छी है सर, है ना, ये देखो ये उल्लू वाली बड़ी फिट है, काले इस पे मोती लगे हुए हैं, ये क्रिसमस वगैरह के सारे बनाए हुए हैं। हराम हराम हराम, हम क्रिसमस की नहीं बात करेंगे यहाँ पे। तुमने मुझे ब्रो कहा है, दे दे मेरा बच्चा, निकल जा निकल यहाँ से। आप बच्चे संभाल ही नहीं सकते? नहीं संभाल लूंगा मैं, दूसरी ढूंढ लेंगे हम कोई जो मुझे ब्रो नहीं कहेगी, फिर दूसरी तीसरी चौथी। आप लोग बड़े मिस कर रहे थे मेरे व्लॉग्स, कह रहे थे यार व्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये नहीं है। भालू जी ओलो, मैं वो वाला हबी नहीं हूँ भाई, मैं बहुत लूजर आदमी हूँ, हार जाता हूँ मैं। फिर तुम रोना ना, चलो ट्राई करते हैं। वो नहीं होते मूवी में परफेक्ट्स में, वो जीत रहे होते हैं चीजें और हर जगह वो परफेक्ट सिनेरियोज उनके बन रहे होते हैं। ये व्लॉग है यहाँ पे, ऐसे काम नहीं होते। डाल दो थोड़ी सी, ठंडे हो जाएंगे हम सारे। थोड़ी सी मैंने कहा, मेयोनीज एंड चीज यहाँ पे फंस जाएगी ऊपर। आप मसाले नहीं खाते, बंदा अच्छा खासा स्पाइसी करके खाता है। किसी और से शादी कर लेती थी फिर। बंदा अच्छा खासा चाट मसाले डाल के खाता है। फिर तुमने मुझे कहा ना इतना मेरा पेट खराब हुआ, फिर मेरे तो नहीं खराब होता, पेट भी दर्द हो रही है भाई। बाथरूम नहीं है यहाँ पे कोई, मैं बता दूँ तुम्हें, वो बहुत गंदे बाथरूम है। कैसे है मैं दो जी बॉयज एंड गर्ल्स, ये आ गए हमारा मेयोनीज और चीज ऊपर लगी हुई है, कॉर्न इन अ कप। चलो फिर तुम डलवा लो मसाले, डलवाने मैं नहीं खाता, फिर क्या करेंगे, मसाले खाएंगी मेम साहब मसाले। वो देखो मसाले मसूले डलवा रही है सारे उस पे, देखो ना कुकू मसाले खाता ना मैं खाता है, बिल्कुल मसालों के बगैर वाला दूध पीते है। अच्छा लेमन पेपर, पहले तुम खा लो, लग रहा फजूल ही है। तौबा तौबा, क्या मेरे को 50 नींबू डाल दिए छिड़क के, बहुत नींबू डाल दी है, मजे का उसे। टू मच नींबू, नमक बहुत है उसमें, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही बंदा पेरेंट बनता ना यही बात शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगा। आप कह रहे हो, अब हम जा रहे हैं पेटिंग जू के अंदर, यहाँ पे आप जानवरों को पेट कर सकते हो। 10 seconds later, बॉयज एंड गर्ल्स हमें स्ट्रोलर पार्क करना पड़ेगा, उसमें हमारा जरा सामान पड़ा हुआ है, अभी हम नहीं कर सकते। वैसे गाय भैंसे ही है, बकरीद पे ले जाएंगे ऐसे, वो सारे वो देखो सारे गाय भैंसे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, इनको मैं बचपन से पेट कर रहा हूँ, नथिंग न्यू हियर। मैं तो होता ना कि कोई डायनासोर होता तो मजा भी आता, कुछ भी। वैसे पोनी भी है तो देखो पोनी कितना छोटा सा है, ये तो आइजन है, पहले ही पोनी इतने छोटे होते, उससे भी छोटा। आ जाए यार हमारे बच्चे ने प्यार करना है तुझे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। पोनी नहीं गधा, हाँ इसका कलर अच्छा है। कोई सैंपल दे रहा है मैंगो पाइन एप्पल, ये लो भाई कह रहे हैं रियल फ्रूट का बना हुआ है, असली फ्रूट का तो हमने पिया हुआ है पाकिस्तान में, गंदा था। तुमने क्या लिया था, कोकोनट, फजूल ही चीज लेती हो तब। अब उसकी बात है फजूल तो ये भी था। ओ भाई क्या हो रहा है वहाँ पे, डैम रैप बैटल हो रहा है। तो बड़ा मजा है इसकी रैप सुनने का भाई ने, सही लोग साथ में वाइब कर रहे हैं। It was a good rap. I enjoyed it.
पिज्जा को टेंशन है कि वो आइसक्रीम ही आइसक्रीम डाली जा रहे हैं। मेरी डाइटिंग खराब हो जाएगी, ये पेट निकल आएगा। स्टेट फेयर पे अगर आप डाइटिंग करने आए तो आप पागल हो गए। यहाँ पे हर चीज पे वो उन्होंने भर भर के फ्राइड लेमनेड देखा था। वही मैंने कहा, फ्राइड लेमनेड इन्होंने कैसे बनाया होगा। तो जी टेस्ट टेस्ट। आइसक्रीम तो बड़ी फिट है, आइसक्रीम फिट है लेकिन बहुत ही जमी हुई है। खा लो खा लो, तुम्हारे मैं खा लो। यहाँ पे रोक लो ना स्ट्रॉलर, इससे फिर हमने बैठते हैं और फिर इसके बाद वो गाड़ी वाला देखते हैं जाके। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये, हम ऑटोमोबाइल वाली बिल्डिंग में आ गए, तो देखो अंदर किस तरह की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये वाली कौन सी है? मैंने वो देखनी, कॉर्वेट शायद खड़ी उधर, भाई की फ्यूचर गाड़ी। ये तो यार मस्टैंग या एक्सप्लोरर आ गई। बेसिकली सारी फोर्ड और शेवी की गाड़ी है यहाँ पे ना बेसिकली। ये इलॉन मस्क वाला रोबोट आ गया और वो भी एक्शन के साथ गया। आर यू हैविंग फन एट द स्टेट फेयर? ये देखो द फ्यूचर। Oh wow. Wait a second, what's his name? Look, Fletcher. Fletcher. Nice to meet you, Fletcher. इंसानों से बात कर रहा है, बच्चों से, वो देख बच्चे से बात कर रहा है। Sir with the beard. Sir with the beard. वो उसकी बात कर रहा है। How you doing, bro? How you doing? What are you doing? Waiting for me? Awesome, I'm waiting for you. हो सकता है बंदा पीछे बैठ के बातें कर रहा हो। ये मैं भी सोच रही थी। हाँ मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा रिस्पांस दे रहा है वो हर चीज का, और पूरा जोक्स मार रहा है, शोगर लगा रहा है। उसका तो ह्यूमर मैं कितने इंसानों से जानता हूँ, ज्यादा अच्छा है। वो रही कॉर्बेट। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स अपनी टिंडर की व्यू बनवा रहा है। भाई जाके कहेगा मेरे पास है कॉर्बेट, वो देखो प्रोफेशनल कैमरे से उतरवा रहा है पिक्चर। बॉयज एंड गर्ल्स कॉर्बेट होगी कुछ इस तरह की होगी, आप अंदर बैठोगे यूं करके। अबे तू कौन है बे? अच्छा जी, तो ये सारे यहाँ पे बटन्स वगैरह लगे होंगे, ठीक है, ये स्क्रीन लगी होगी सामने। और यार बड़ा मजे का सीन है इसका। एक मसला होगा कि पीछे बेबी सीट नहीं होगी, तो बस एक कॉर्बेट मेरी और फिजा के लिए ऐसी कोई चीज होगी, लेकिन सून इंशाल्लाह इसको बाय करेंगे। आ जाओ भाई बंटी, तुम आ जाओ अंदर। और इंशाल्लाह जब हम लेंगे ना कॉर्बेट शॉर्बेट ये कोई, तो फिर वो गाड़ी रेंट पे नहीं निकलवाएंगे इंशाल्लाह। फिर सही वाली निकलवा के आपको सही तरह दिखाऊंगा मैं, यू नो इफ यू नो व्हाट आई मीन। गाड़ी वाली जगह से फारिग हो गए थे, अब हम आ गए यहाँ पे गद्दे बेच रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट फेयर पे। ये देखो जरा लोग वहाँ पे बैठ के चिल मार रहे हैं जो थक गए ना फेयर से, और यही वाले गद्दे पर हमें बेचेंगे। तौबा 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 है। जिसपे वो बैठा हुआ है स्टीवन, बाय द वे ये देखो जकूजी भी है। वैसे जकूजी का आपस की बात हूँ, एक दो टाइम का ही शौक होता है, वो भी बंदा बोर हो ही जाते हैं टाइम पे, कितनी दफा गीला हो यार ये तंग। थैंक यू, गुड गुड। मैंने बेचारे को एम ही बोल दिया, मैंने कहा घर की आइटम बेचना शुरू कर देगा तो बेचारा शाउट आउट दे रहा। मैं बहुत बुरा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, आई फील सो बैड। बाबा जी क्या कह रहे हैं? वो बाबा जी तो बना रहे कुछ। बॉयज एंड गर्ल्स ये देखो, यहाँ पे बूढ़ा आदमी कितना मेहनती है। यहाँ के बाबे को देखो कितना एंटरटेन कर रहा है। हमारे बाबे इस उम्र में मंजी पे पै जाते हैं। अरे बेटा तुम्हें तो पता है मैं बड़ा क्यूट और इनोसेंट हूँ। हाँ नहीं यहाँ के हमारे बाबे उस उम्र में लड़ाइयाँ कराते हैं। बाबे नहीं बाबियाँ, बाबे तो बेचारे वो बैठ के यूँ हुक्का पी रहे होते हैं किसी कोने में। इटली भी आई हुई है, वाओ बड़े कोई हमारे मामे लगते हैं इटली वाले। अच्छा वो गेम ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या बनता है। बॉयज एंड गर्ल्स क्या मूसा खाना जीत पाएगा? अगर मैं हार गया ना तो आप सबने सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अगर मैं जीत गया तो फिर कुछ ना करना। चिपकाया मैं साला झूठ बोला पकड़ना भाई। मैं पीछे हो जा मामा। लूजर कहीं का लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर मैं हार गया तो आप लोगों ने सबने सब्सक्राइब कर लेना है, तो उसको कहते हैं कुछ खो के भी कुछ पा लेना। हाँ ये बलून वाली मैं कर लेता हूँ, आ जाओ। बहुत मुश्किल है। ओ बिस्ती हो गई। ये ले तेले में जीत के लाए हो, इधर आओ दिखाओ जरा। ये देख पापा तेले क्या जीत के लाए, ये देख। ये लो जी, ओए होए 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 मूसा भाई, ये आपने क्या किया? बस अब तुम मेरे से डिसअपॉइंटेड हो गई हो। एक भरा बलून भी तुम्हारा दिल जीत लिया काफी नहीं था? बात तो सही है। क्या नखरे नहीं खत्म होते लड़कियों के, सब काम ही लड़कों को करना पड़ता है। सब हम यहाँ से निकलने लगे, तो बॉयज एंड गर्ल्स ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, एंड इंशाल्लाह अगला ब्लॉग भी वेरी सून आएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो बाकी इस ब्लॉग को यहाँ पे हम एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना। तुम्हारा मैसेज सबके लिए क्या है? ऐसा हबी ढूंढने जो आपको भालू जीत के दे। हाँ बस फिर भालू ही दे अभी, और कुछ ना दे, पेट में रोटी ना दे, कपड़ा मकान कुछ भी ना दे, सिर्फ भालू दे। नहीं मैं गेम्स में अच्छा ही हूँ, बस वो जब से मैं डैड बन गया ना मेरी वो गेमिंग एबिलिटी कम हो गई है। ठीक है जी, मेरी ना वो कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो गई है गेमिंग वाली। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।